आ चुकी है सामने हिंदुस्तान टाइम्स मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड 2022 के विनर्स की लिस्ट सामने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंट कैटेगरीज के उन विनर्स के नाम जिन्होंने किया हिंदुस्तान टाइम्स मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड की इस विनिंग लिस्ट में अपना नाम। तो ये सब जानने और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियाज़ मोस्ट स्टाइलिश मेल की कैटेगरी की, जिसका अवार्ड कार्तिक आर्यन ने अपने नाम किया है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें पति पत्नी और वो, प्यार का पंचनामा और गेस्ट इन लंदन जैसी पॉपुलर फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। जबकि इंडियाज़ मोस्ट स्टाइलिश फीमेल की कैटेगरी का अवार्ड कृति सैनन ने अपने नाम किया है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें हीरोपंती, लुका छुपी और मिमी जैसी पॉपुलर फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। अब बात करते हैं इंडियाज़ मोस्ट स्टाइलिश सुपरस्टार की कैटेगरी की, जिसका अवार्ड रणबीर कपूर ने अपने नाम किया है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें संजू, अजब प्रेम की गजब कहानी और ये जवानी है दीवानी जैसी पॉपुलर फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। जबकि इंडियाज़ मोस्ट स्टाइलिश कपल की कैटेगरी का अवार्ड मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की जोड़ी ने अपने नाम किया है। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में मोस्ट स्टाइलिश यूथ आइकन की कैटेगरी का अवार्ड नुसरत भारूचा ने जीता है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें ड्रीम गर्ल, मरजावा और छलांग जैसी पॉपुलर फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। अब नंबर आता है इंडियाज़ मोस्ट स्टाइलिश पॉपुलर एक्टर की कैटेगरी में मेल कैटेगरी का, जिसका अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने नाम किया है, जो कि इनको शेरशाह फिल्म में विक्रम बत्रा का जबरदस्त रोल प्ले करने पर मिला है। जबकि मोस्ट स्टाइलिश पॉपुलर एक्टर की कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी का अवार्ड रिशा पाटनी ने अपने नाम किया है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें लॉफर, बागी और मलंग जैसी फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। अब नंबर आता है मोस्ट स्टाइलिश ट्रेंडसेटर की कैटेगरी में मेल कैटेगरी का, जिसका अवार्ड आदित्य राय कपूर ने अपने नाम किया है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें आशिकी 2, मलंग और लूडो जैसी पॉपुलर फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। जबकि मोस्ट स्टाइलिश ट्रेंडसेटर की कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी का अवार्ड वानी कपूर ने जीता है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें शुद्ध देसी रोमांस, वॉर और बेल बॉटम जैसी पॉपुलर फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। अब बात करते हैं मोस्ट स्टाइलिश म्यूजिक पर्सनैलिटी की कैटेगरी में मेल कैटेगरी की, जिसका अवार्ड जॉबिन नौटियाल ने अपने नाम किया है, जो कि कई पॉपुलर सॉन्ग्स में अपनी सिंगिंग से एंटरटेन करते हुए नजर आ चुके हैं, जिसमें तू सूरज में सांझ किया और रतन लंबिया जैसे सॉन्ग्स के नाम टॉप पर हैं। जबकि बहुत स्टाइलिश म्यूजिक पर्सनैलिटी की फीमेल कैटेगरी का अवार्ड जसलीन रॉयल ने अपने नाम किया है, जो कि रांझा और संग रहियो जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स में अपनी सिंगिंग से एंटरटेन करते हुए भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में टाइमलेस स्टाइल आइकॉन की कैटेगरी का अवार्ड शिल्पा शेट्टी ने जीता है, जो कि हंगामा 2, अपने और जानवर जैसी पॉपुलर फिल्म्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं। अब नंबर आता है इंडियाज स्टाइल लेजेंड की कैटेगरी में मेल कैटेगरी का, जिसका अवार्ड अनिल कपूर ने अपने नाम किया है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें बेटा, लाडला और मिस्टर इंडिया जैसी पॉपुलर फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। जबकि इंडियाज़ स्टाइल लेजेंड की फीमेल कैटेगरी का अवार्ड रवीना टंडन ने अपने नाम किया है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें दिलवाले, अंदाज अपना अपना और दूल्हे राजा जैसे फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में मोस्ट स्टाइलिश इमर्जिंग फेस की कैटेगरी का अवार्ड शहनाज गिल ने अपने नाम किया है, जो कि कलर्स टीवी के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 13 की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। अब बात करते हैं मोस्ट स्टाइलिश टेलीविजन पर्सनैलिटी की कैटेगरी में मेल कैटेगरी की, जिसका अवार्ड करण कुंद्रा ने अपने नाम किया है, जो कि कलर्स टीवी के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 15 के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। जबकि मोस्ट स्टाइलिश टेलीविजन पर्सनैलिटी की फीमेल कैटेगरी का अवार्ड तेजस्वी प्रकाश ने अपने नाम किया है, जो कि कलर्स टीवी के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 15 की विनर भी रह चुकी हैं।
अब नंबर आता है इंडिया स्टाइलिस्टा की कैटेगरी का, जिसका अवार्ड गौहर खान ने अपने नाम किया है, जो कि कलर्स टीवी के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 7 की विनर भी रह चुकी है। जबकि इंडिया मोस्ट स्टाइलिश मास्टर ऑफ री इन्वेंशन की कैटेगरी का अवार्ड अनुपम खेर ने अपने नाम किया है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें संसार, लाडला और बेटा जैसी फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। अब नंबर आता है ब्रेकिंग द मूड की कैटेगरी में मेल कैटेगरी का, जिसका अवार्ड राजकुमार राव ने अपने नाम किया है, जो कि कई पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें न्यूटन, ट्रैप और रूही जैसी पॉपुलर फिल्म्स के नाम टॉप पर हैं। जबकि ब्रेकिंग द मूड की फीमेल कैटेगरी का अवार्ड तमन्ना भाटिया ने अपने नाम किया है, जो कि KGF चैप्टर 1 और एंटरटेनमेंट जैसी पॉपुलर फिल्म्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं। इससे पहले हमने इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड 2022 के विनर्स की लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।